सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को थाना सागर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी बिहार के होकर काबरा कोल्ड स्टोरेज के मजदूर थे। होली के दिन किया शर्मसार दिनांक 9/3/2023 को पीड़िता ने थाना सागर पर रिपोर्ट किया कि वह काम की तलाश में अपनी सहेली के साथ ग्राम मदारपुर जिला जहानाबाद बिहार से काबरा कोल्ड स्टोरेज दिखठान से आई थी। दिनांक 8/3/2023 को काबरा कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाले मजदूर होली खेल रहे थे, तभी पीड़िता की सहेली बाजार से सामान लेने बाहर चली गई। पीड़िता को कमरे में अकेला देखकर जान से मारने की धमकी देकर बारी बारी से बलात्कार कर होली के दिन पीड़िता की इज्जत को तार तार किया था। आरोपियों के विरुद्ध थाना सागर पर अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया। सामूहिक बलात्कार जैसी घृणित घटना से कस्बा व देहात क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार द्वारा पर्दाफाश करने के लिए नगर पुलिस अधीक्षक पीथमपुर तरुणन सिंह बघेल को निर्देशित किया गया, जिस पर नगर पुलिस अधीक्षक पीथमपुर द्वारा सागौर थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह भदौरिया एवं चौकी प्रभारी दिखठान योगेंद्र सिंह जादौन एवं उनकी टीम को आवश्यक दिशा निर्देश देकर इस काम पर लगाया गया। टीम के द्वारा लगातार पतारसी कर 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।